ऑक्सीजन ओएस 11 पर अपग्रेड करने से पहले ये आप जरूर जान लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम या फिर बग्स तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में वन प्लस ने एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 11 अपनी वन प्लस 7 सीरीज डिवाइसेस के लिए रिलीज़ किया है, जो कि है वन प्लस 7, 7T, 7T प्रो और 7 प्रो के लिए। लेकिन ये बिल्ड इतनी स्मूथ नहीं है और इसमें काफ़ी सारे बग्स हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने नोटिस की वो है वाईफाई में। वाईफाई में प्रॉब्लम ये है कि वाईफाई इसका रेगुलरली डिस्कनेक्ट होता रहता है, तो सारा दिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली सारा दिन होती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये प्रॉब्लम पूरा दिन चलती रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है वाईफाई डिस्कनेक्शन की। जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने इसमें ऑब्जर्व की है वो है एम्बिएंट डिस्प्ले में। जैसे कि आपको पता ही है, आइडियल कंडीशन में अगर स्क्रीन है आप उसको टच करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन शो करेगा, लेकिन इसमें इस बिल्ड में जो प्रॉब्लम है, जो ऑक्सीजन ओएस 11 में प्रॉब्लम ये है कि वो शो नहीं करता, और उस कंडीशन में जो आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काम नहीं करता, आपको पावर बटन ही प्रेस करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट सारा दिन रहती है, मुश्किल से 5-6 बार ही दिन में ये काम करता है। मतलब आपने आइडियल कंडीशन में छोड़ दिया तो 5-6 बार ही ऐसे काम करेगा, मैक्सिमम टाइम आपको पावर बटन प्रेस ही करनी पड़ेगी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फ़ोन की वो होती है उसकी बैटरी लाइफ, लेकिन ऑक्सीजन ओएस 10 के कंपैरिजन में 11 में ये जो बैटरी लाइफ है ये काफ़ी बेकार हो गई है। मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर मान लें तो 10% का वेरिएशन है। अगर ऑक्सीजन ओएस 10 की बात करें तो उसमें इससे 10% ज़्यादा बैटरी उसमें मिलती थी, यहाँ पर 10% बैटरी का डिप है। तो ये सबसे बेकार चीज़ जो हुई है वो यही हुई है कि बैटरी बैकअप कम हो गया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेकार चीज़ इस बिल्ड में बैटरी बैकअप को ही है। एक प्रॉब्लम जो सारा का सारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करती है वो है इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट को लेकर, या फिर कहें कि कुछ ऐसी तो प्रॉब्लम है जिससे कि स्क्रीन लैग करती है, स्क्रीन में स्टटर है, आप स्क्रॉल करेंगे आपको स्टटर या फिर लैग फील होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे सबसे बेकार लगी इस बिल्ड में, एंड्रॉयड 11 की बिल्ड में ये एक प्रॉब्लम सबसे बेकार है। बैटरी बैकअप तो कम हुआ ही हुआ है, लेकिन जो और भी ख़राब चीज़ हुई है वो ये हुई है कि बैटरी की जो चार्जिंग स्पीड है वो भी कम हो गई है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अब बैटरी पहले के मुकाबले ज़्यादा टाइम ले रही है चार्ज होने में। तो ये एक और प्रॉब्लम है इस एंड्रॉयड 11 बिल्ड में। ये प्रॉब्लम कम एक चेंज ज़्यादा है। इस बार क्या हुआ है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें कुछ चेंज किया है, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स आप यहाँ सेटिंग्स में जाकर तो आपको यहाँ पे सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन जैसे कि पहले आप रिकॉर्डर्स में भी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स देख सकते थे और जो गैलरी में या फिर म्यूज़िक फाइल्स में आती थी वहाँ से उसको हटा दिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बार बार आपको वहीं कॉल सेटिंग्स में जाकर ही अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखना पड़ेगा। तो ये ना जाने क्यों किया, लेकिन ये अच्छा चेंज नहीं है। तो ये कुछ चेंजेस थे या फिर कहें कुछ प्रॉब्लम्स या फिर बग्स हैं जो एंड्रॉयड 11 में है, जो कि स्टेबल बिल्ड है। आप देखें तो ये स्टेबल बिल्ड है वन प्लस 7 सीरीज डिवाइसेस के लिए। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब तक ज़्यादा स्टेबल बिल्ड ना आए आप इस अपग्रेड से दूर ही रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।